नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों मैंने कुछ और सब्जियों के बीज और पौध लगाए हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं आप मेरी गोभी तो देख ही रहे होंगे सही हो गई है लेकिन ये बीन्स मेरी जितनी मैंने बोई थी उतनी जमी नहीं है बस ये कुछ कुछ ही जमी है तो सोचा इनके बीच में और कोई सब्ज़ी लगा देती हूँ तो मैं इनमें चुकंदर और मेथी वगैरह लगाऊँगी तो मैं बताती हूँ क्यारी तो मैंने पहले तैयार कर रखी थी लेकिन इसमें थोड़ा घास वास जम गया है तो वो तो बाद में जब इनकी निराई गुड़ाई होगी तो उस समय हट जाएगा ये देखो मैं मेथी लाई थी ये बाजार से ही खरीद के लाई थी मेथी का बीज ये घर का नहीं है तो मैंने ये बीन्स वाली क्यारी में अब मेथी डाल दी क्योंकि बीन्स तो इसमें जमी नहीं तो मैंने सोचा इसमें मेथी लगा देती हूँ तो ये मैंने मेथी लगा दी है इसमें अब जब इस अच्छे से जम जाएगी तो अब तब इसका अपडेट आप लोगों को दूंगी बीन्स के कुछ ही पौधे जमे हैं अब देखती हूँ अगर बाद में लाई तो फिर बाद में बोऊँगी और ये धनिया है ये धनिया एक धनिया वो होता है जो हमारे घर का धनिया होता है और ये दूसरा ये धनिया मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ इस धनिया को हम वो आप लोगों को भी वैसे पता ही होगा कि जब ये हो जाता है तो उसे काटते हैं फिर ये दोबारा होता है फिर काटते हैं फिर दोबारा होता है मतलब जितना हमें चाहिए होता है उतना हम काटते हैं और फिर ये फिर वहाँ से दोबारा हो जाता है ऐसे और जो घर का धनिया होता है वो अलग ही होता है वो ऐसा नहीं होता और ये वाला धनिया होता है इसे बस काटते रहो होता रहता है काटते रहो होता रहता है बस काटते रहो और अपनी सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल करते रहो जिस जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए और ये होता रहता है और ये मैंने अपना धनिया भी बो दिया है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मेरे कड़ी पत्ता के दो छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं तो ये अपने आप ही जमे हैं मैंने बोए नहीं है सारा धनिया मैंने बो दिया है अब हमें ऐसे ऐसे हम निराई करते हैं ना उस तरह से कर देना है ताकि इसका बीज अच्छे से थोड़ा ज़मीन में जाए और इसे कोई चिड़िया पंछी ना खा पाए बस इसलिए और पूरी क्यारी को फिर इस तरह से प्लेन कर देना है बाद में हल्का हल्का पानी डाल देना है बस जो घर का धनिया होता है वो जमने में काफ़ी टाइम लगाता है लेकिन ये वाला धनिया बहुत जल्दी जम जाता है लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इस वाले धनिया में जो ये हम बाज़ार से बीज खरीद कर लाए हैं ना ऐसे मतलब इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती लेकिन जो हम घर का धनिया बोते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा इस बात में तो अब ये है मेरे चुकंदर के बीज चुकंदर को वैसे हम लोग पहले बीज से पौध तैयार करते हैं उसके बाद मतलब हमेशा मैं ऐसे लगाती थी पहले बीज एक छोटी सी क्यारी में बीज बो देती थी इसके और तब फिर इसके जो पौध होती थी जो पौध तैयार होती थी तब उसके एक एक पेड़ अलग अलग करके लगाती थी लेकिन मैंने सोचा कौन ऐसे झंझट पाले तो इस बार मैं इसको ऐसे बो के देख रही हूँ कि मुझे कैसे रिजल्ट मिलता है और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया उसने मुझे कहा कि चुकंदर भी लगाना मैंने बोला चुकंदर में बहुत आफत होती है पहले उसके बीज बो फिर पौध लगाओ उसने बोला मैं तो हमेशा ऐसे लगाती हूँ कि सीधे बो देती हूँ बीज लाती हूँ और सीधे एक एक बीज कुछ कुछ दूरी पर डाल देती हूँ तो ऐसे करना तो इस बार मैं भी करके देखती हूँ अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो ऐसे ही करूँगी ना बहुत आफत आती थी पहले क्यारी तैयार करो फिर उसके उसकी इंतज़ार करो कि पौध तैयार होगी फिर उसके बाद उसको चुकंदर को फिर लगाओ उसके नन्हे नन्हे पौधों को लगाओ तो ये बहुत मेहनत का काम होता था तो इस बार मैंने सीधे ही डाल दिया अगर अच्छा होगा तो इसका रिज़ल्ट आपको भी बताऊँगी कि कैसे हुए हैं मेरे चुकंदर दोस्तों चुकंदर के जो नीचे का फल कहेंगे या कंद कहेंगे जो भी उसे तो हम खाते ही हैं जूस वूस जो भी बनाना है सब्जी बनाना है सलाद में खाना है लेकिन आप कभी इसके पत्तों की सब्जियां भी खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी हम तो बनाते हैं हालांकि हमारे यहाँ हरी सब्ज़ियाँ इतनी होती है लेकिन फिर भी हम उसके पत्तों की सब्ज़ियाँ बनाते हैं बहुत अच्छी होती है खाने के तो ये जो मेरी बीन्स वाली क्यारी है मैंने इसमें चुकंदर और मेथी लगा दी है और गोभी आप मेरी देख ही रहे होंगे अच्छी हो गई है मेरी गोभी अब इसको इसमें मुझे निराई करनी पड़ेगी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और जो ये आप देख रहे हैं ये है सौंप सौंप ये हमारे घर की है आ, हमारे घर में हो जाती है काफ़ी सौंप सौंप का एक पेड़ होता है अगर वो अच्छे से हो गया ना पेड़ तो उसमें 200-250 ग्राम सौंप अच्छे से लग जाती है तो मैं तो पहली बार लगा रही हूँ मैंने अपनी सासू जी से मांगा है ये सौंप का बीज सौंप जब पेड़ में कच्ची होती है तब खाने में बहुत ही अच्छी लगती है मैं तो बहुत खाती हूँ ऐसे कच्ची कच्ची सौंप और यह है शिमला मिर्च की पौध ये पौध मैं ख़रीद के लाई हूँ मैंने जैसे मैं गोभी की पौध खरीद के लाई थी दस रुपये की एक वो मिली है मुझे तो अब इसके लिए क्यारी मैंने पहले ही तैयार कर रखी थी तो क्योंकि पहले हम बीज बोते हैं फिर पौध तैयार करते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है तो मैंने सोचा ये कुछ पौध खरीद के ही ले आती हूँ तो मैंने एक क्यारी में शिमला मिर्च भी लगाई शिमला मिर्च मैं पहली बार लगा रही हूँ शिमला मिर्च मैंने पहले कभी नहीं लगाई थी मैंने और लोगों को देखी है अपने पड़ोस में लगाई हुई उनके काफ़ी अच्छी होती है शिमला मिर्च तो मैंने सोचा इस बार मैं भी लगा लेती हूँ तो देखो कैसा रिज़ल्ट मिलता है मुझे अगर अच्छा रिज़ल्ट मिला तो और आगे भी लगाऊंगी ज़रूर और इन्हें हमें कुछ कुछ दूरी पे लगाना है ताकि पौधे को बढ़ने में और फैलने में जगह मिल सके अच्छे से बढ़ सके हमारे पौधा इसके बाद में इसमें पानी डाल दूँगी और निराई गुड़ाई का ध्यान रखना है हमें इसके इनमें मतलब निराई गुड़ाई भी ज़रूर करनी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है जो भी मतलब इसमें फालतू घास हो वो आपको निकालना है और फिर देखें ये देखो मैंने पूरी क्यारी में लगा दी है शिमला मिर्च दोस्तों आपके प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए धन्यवाद